नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है कि अपने सुर को पक्का कैसे करें, लॉन्ग नोट प्रैक्टिस कैसे करें और तानपुरा के साथ रियाज कैसे करें। क्योंकि ये तीनों देखा जाए तो तीनों की तीनों एक ही चीज़ है, क्योंकि तानपुरे के साथ ही हम लॉन्ग नोट प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा। जो हमारा जो प्रैक्टिस है वह तानपुरे के साथ लॉन्ग नोट प्रैक्टिस में ही सही चलेगा। और दूसरा चीज़, जब आप लॉन्ग नोट प्रैक्टिस को बिल्कुल तानपुरे के साथ मिला करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सुर पक्का हो जाएगा। अब देखिए, बिना तानपुरे के और तानपुरे के साथ क्या क्या असर पड़ता है। पहले हम बिना तानपुरे का एक बार बता देते हैं। जैसे तानपुरा बजता है, ये उसकी आवाज़ है सा, वो बांध के रखता है बांसुरी को, ठीक है, या स्वर को, किसी भी गायक को वो बांध के रखता है कि इससे ऊपर आप सा नहीं बजा सकते। जैसे सा देखिए, आप बिना बांसुरी के बजाते हैं, तो यही फर्क होता है कि अगर आप बिना तानपुरे के बजाते हैं तो कई बार आपका स्वर बहुत हाई चढ़ जाता है या लो आ जाता है, ठीक है जी। तो उसके लिए तानपुरे के साथ बजाना लॉन्ग नोट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब लॉन्ग नोट होते क्या हैं कि एक ही स्वर को आप जितना बार बजा सकते हैं, लगभग आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक एक एक स्वर बजा सकते हैं। सांस खत्म हुई, फिर से दोबारा सांस भरी, लगातार सा बजाते रहे, लगातार रे बजाते रहे, तानपुरा वही रहेगा, ठीक है जी। तानपुरा सेट करके अब देखिए तानपुरे के साथ प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर तानपुरा और फ्लूट की आवाज़ मैच हो गई तो समझ जाना कि हाँ ठीक चल रहा है, पक्का चल रहा है। लेकिन अगर तानपुरे से ऊपर जा रहे हैं आप या उससे नीचे आ रहे हैं तो उसमें भी आप समझ जाएंगे कि नहीं, तानपुरे के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आपका स्वर गलत जा रहा है। और जब भी आपका स्वर गलत जाए तो एक तो अपनी फूक को कम ज़्यादा करके, जैसे आवाज़ को कम ज़्यादा करके आप उसके साथ मिलाने की कोशिश करना। और फिर भी अगर ना मिले तो तब आप ऐसे करना कि बांसुरी को आगे पीछे करके देखें, तो तानपुरे के साथ तब मिलाना है। तो देखिए कैसे मिलाना है। तानपुरा है हमारा सी स्केल का, तानपुरा है, चालू हो गया है। अब देखिए, जब भी कोई गड़बड़ हो, ऐसा लगे कि सही नहीं बज रहा है, तो तानपुरे को और तेज करके बजाए। तानपुरा जितना लाउड रहेगा उतना आपका स्वर मजबूत हो जाएगा। कोई बात नहीं अगर बांसुरी ना भी सुनाई दे, लेकिन तानपुरे को लाउड करके बजाना है। तब देखिए, अब इसने हमको बांधा हुआ है, हम अगर थोड़ा सा भी ऊपर बजाएंगे तो पता लग जाएगा बस सा ही रहा है लेकिन गलत जा रहा है। फिर कम करना है, कैसे, मैच हो गया ऐसे ही। अगर ऐसे में भी ना मैच हो तो फिर आप आगे पीछे करके देखिए, ऊपर जा रहा है, घुमा करके ऊपर आगे पीछे घुमा करके पास लेके बोल को, उससे भी हो जाता है। ऐसे में भी हो जाएगा। और सांस लेना है बड़ा, अगर मैच नहीं होगा तो बीच में कई बार टकराव भी होता है। अगर आपकी आवाज फ्लक्चुएट हो रही होगी तो बीच में टकराव होता है अगर मैच नहीं होगा, लेकिन आपने उसी टकराव को रोकना है और बराबर करना है।